रोग समाधान में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुहासे के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। मुहासे को अंग्रेजी में पिंपल्स भी बोलते हैं। आप इनको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इनसे लाभ हो तो आप इनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। मुहासे घरेलू नुस्खे नंबर एक, जायफल दूध में घिस कर एक महीने तक रात में मुखमंडल पर लगाएं। मुहासे दूर होंगे, साथ में चेहरे पर सुंदरता भी आ जाएगी। नंबर दो, नींबू का रस कपड़े से 3 बार छना हुआ 20 ग्राम, अरग गुलाब 20 ग्राम, ग्लिसरीन 20 ग्राम तीनों को शीशी में भरकर मिला लें। यह मुहासे दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। इससे चेहरे का रंग निखरता है और साथ में चेहरा मुलायम होता है। नंबर तीन, संतरे का ताजा छिलका 30 ग्राम, सरसों सफेद 12 ग्राम दोनों को खरल में डालकर इतना रगड़े कि दोनों एक जान हो जाएं, अर्थात अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर नींबू का रस डालकर गाढ़ा लेप सा बना लें। रात को चेहरे को गर्म पानी से धोएं और तौलिए से पोंछकर यह लेप लगाकर सो जाएं। सुबह गर्म पानी से धोएं। 2 से 3 सप्ताह इस योग का प्रयोग करें। इससे आपका चेहरे का रंग निखरता है और चंद्रमा के भांति चमकने लगता है, साथ में मुहासे भी दूर होते हैं। नंबर चार, सोडा बाइकार्ब और गंधक आंवला सार शुद्ध दोनों को सम भाग लेकर मिला लें। 3-3 ग्राम दवा सुबह शाम पानी के साथ लें। इसी दवा को मक्खन या मलाई में मिलाकर रात में सोते समय मुहासों पर लगाया करें। जिन लड़के और लड़कियों के मुख पर छाइयां फुंसियां निकल जाती हैं, दाग हो जाते हैं, उन्हें अवश्य प्रयोग करना चाहिए। 1 सप्ताह के प्रयोग से आपको मुहासों में और धब्बों का जो नाम है वो भी मिट जाएगा। नंबर 5, ग्लिसरीन 50 ग्राम, नींबू का रस 50 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 10 ग्राम तीनों को मिला लें। रात में सोते समय मुंह पर लगाएं, चेहरा मुलायम और सुंदर हो जाएगा और साथ में मुहासे भी दूर होंगे। जो भी आपको घरेलू नुस्खे बताएं, आप इनको इस्तेमाल कीजिए और आप इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट कीजिए और इनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिए।